अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोमनाज किचन। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजल से बखैरियत होंगे। आज मैं जो आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही सिंपल और क्विकली है। हम किस तरह चार किस्म की चाट जो है वो थोड़े से फ्रूट से घर में बना सकते हैं। अचानक आपके घर मेहमान आ जाएँ तो आप ये मज़ेदार सा प्लेटर चंद चीज़ों से और चंद मिनटों में रेडी कर सकते हैं। ये चार किस्म की फ्रूट चाट है और इन चारों का ही डिफरेंट फ्लेवर है, किसी का भी किसी से फ्लेवर मिलता जुलता नहीं है। ये देखने में दोनों साइडों वाली लग रहा है कि एक जैसी है, मगर ये एक जैसी नहीं है, दोनों का डिफरेंट फ्लेवर है। इस सारी रेसिपी में मैंने जस्ट बेसिक चीज़ें ही इस्तेमाल की हैं। फ्रूट चाट एक ऐसी चाट होती है जिसमें आपके पास जितनी वैरायटी हो आप उतनी ही वैरायटी इसमें शामिल कर सकते हैं। चले जी, चलते हैं हम वीडियो की तरफ। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि हम घर में बहुत आसानी से घर की चीज़ों से ही चार फ्लेवर्स में किस तरह फ्रूट चाट रेडी कर सकते हैं। उसके लिए मेरे पास है बेसिक जो फ्रूट होता है, बनाना, एप्पल और ग्रेप्स। फ्रूट चाट एक ऐसी चाट होती है जिसमें आप जो चीज़ चाहें, जितनी आपके पास वैरायटी है वो डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को मैंने इस तरह काट लिया है। इसके साथ है मेरे पास मायोनीस, क्रीम का पैकेट है, नेस्ले का ये जूस है, मैंगो वाला, शहद है, बादाम, पिस्ते और खजूरें, और इसके साथ है मेरे पास दही। लेते हैं, एक पॉट में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून चीनी। इसमें इतना ही पानी डालेंगे और इसमें और इसको चूल्हे पर रख के हम जस्ट मेल्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने गाढ़ी इसकी चाशनी नहीं बनानी, जस्ट मेल्ट करना। चीनी के मेल्ट होने तक फ्रूट्स को करते हैं ऐसे से मिक्स, और हम दूसरी वैरायटी पहले बना लेते हैं। ताकि मैंने क्योंकि ये ज़्यादा वैरायटी बनानी है तो इसलिए फिर मैं इसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही आपको जस्ट बना का तरीका बताऊंगी। इसमें मैंने डाल दिया, ये मेरे पास है दही, फुल क्रीमी ये दही है, इसमें पानी नहीं है। पानी जो था मैंने छलनी में डाल के दही को उसको निकाल लिया तो इसको अच्छे से बीट कर लिया था। थोड़ी सी क्रीम, ये तो बहुत ज़्यादा, इसमें थोड़ा सा ड्रॉप जो है वो हम फूड कलर का डालेंगे। मेरे पास ये लिक्विड है इसलिए डाल रही हूँ, इसकी जगह आप दूसरा भी डाल सकते हैं। बाजार वाले जो हैं वो इसको इस तरह ही इस्तेमाल करते हैं। देखिए, नेक्स्ट मैंने थोड़े से फ्रूट इस बाउल में डाल ली है। इसके ऊपर मेरे पास है इस टाइम ये किन्नू जिसको हम कहते हैं, ये सब्ज़ कलर का, ये अभी नए नए आ रहे हैं सीजन में। इसकी जगह आप लेमन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम इसके ऊपर इस तरह निचोड़ लेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाला अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ये ज़ाहिर है कोई स्पाइसी पसंद करते हैं कोई कम। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मैंगो जूस। ये बड़ी ही मज़ेदार जूसी सी जो है फ्रूट चाट बनती है। इसको करते हैं अच्छे से मिक्स। 2 मिनट में फ्रूट चाट इस तरह की रेडी हो जाती है। इसके और नीचे जो ये खट्टा मीठा सा हमारे पास ये देखें लिक्विड सा बच जाता है, इसको खाने का बहुत ही मज़ा आता है। इसके साथ ही मैंने और थोड़ा सा फ्रूट डाल लिया है इस बाउल में, और इसमें हम डालेंगे ये देखें हमने जो चाशनी बनाई थी, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी सी नहीं बनाई, जस्ट इसको थोड़ा सा ही हमने गाढ़ा किया है। क्योंकि 2 चम्मच ही हमारे पास चीनी थी, 2 चम्मच तकरीबन पानी था, तो इसने जस्ट मेल्ट होके इसी तरह का हो जाना था। आपको लग रहा होगा कि जूस वाली और इसमें कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, मगर जब आप ट्राई करेंगे तो आपको इसके टेस्ट में ज़रूर फ़र्क महसूस होगा। मगर आप जब इसको ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों के डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, दोनों का एक जैसा फ्लेवर नहीं है। इसके ऊपर भी हम, ये मेरे पास किन्नू है तो किन्नू निचोड़ देंगे, अगर आपके पास लेमन हो तो लेमन निचोड़ दीजिए। इसको भी करते हैं जी अच्छे से मिक्स और निकालते हैं जी एक बाउल में। इसके साथ ही देखें जी लास्ट वन हम बनाएंगे क्रीम चाट। क्रीम चाट के लिए ये मेरे पास जो फ्रूट बच गया मैं उसी बाउल में बना लेती हूँ। इसमें हम डालेंगे क्रीम, मेरे पास ये मिल्क पैक की क्रीम है तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होता है। इसके साथ ही इसमें हम डालेंगे मायोनीस। मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून मायोनीस मैंने 3 टेबलस्पून तकरीबन क्रीम डाली है। ये 2 प्यालियाँ फ्रूट चाट हमारी आसानी से बन सकती है, और इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो मायोनीस डालूंगी।
3 टेबलस्पून क्रीम और 2 टेबलस्पून अंदाजे से मैं डाल रही हूँ मायोनीज। इसको करते हैं मिक्स। इसमें चाहे आप इस स्टेज में चाट मसाला डाल लें और चाहे बाद में, मगर ये कि मायोनीज क्योंकि ये साल्टी होती है इसमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर आप बाद में भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे नट्स और चलें जी हमारी चंद मिनटों में ही फ्रूट चाट जो है, 4 किस्म की फ्रूट चाट जो है वो रेडी है। ये देखिए जी इसके ऊपर मैंने नट्स काट के डाल दिए थे क्योंकि मैंने ये ज़रा आपको डेकोरेशन करके इसकी दिखानी होती है। आप जब घर में सिंपली बनाएं तो इनको सबको मिक्स कर लें। ये क्रीम चाट एक ऐसी चाट है कि जिसमें आप पाइनएप्पल कॉकटेल हर चीज़ हर तरह की वैरायटी जो है इसमें मिक्स कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं हल्का सा सिर्फ स्प्रिंकल कर दूंगी शहद। इसमें मुझे जो पर्सनली जो है वो चाट मसाला बिल्कुल नहीं पसंद, मैं इसको ऐसा ही खाना ही पसंद करती हूँ और ये ऐसे ही बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार सी लगती है। जी हमारा मज़ेदार सा प्लेटर रेडी है। लें जी हमारी 4 किस्म की फ्रूट चाट का मज़ेदार सा चंद मिनटों में ही प्लेटर रेडी है। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हम सब पर अपनी रहमतें बरकतें और अनायतें नाजिल फरमाए। प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ वीडियो के एंड पे कमेंट भी किया करें। आपके कमेंट करने से ही, आपके अच्छे अच्छे कमेंट करने से ही हम मोटिवेट होते हैं और दिल करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ जी।